दोस्तों, 2 मिनट फॉर यूपीएससी सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि इनविट की। तो जान लेते हैं कि इनविट क्या है। देखिए, इनविट का जो संबंध है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से है, एनएचएआई से है। और जो एनएचएआई है, जैसा कि हम जानते हैं, ये नेशनल हाईवेज बनाती है। देखिए, जब भी हाईवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, उसके लिए बहुत फंडिंग की जरूरत होती है, उसके लिए बहुत रिसोर्सेज की जरूरत होती है। और जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, ये इसी कॉन्टेक्स्ट में है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, उसको उसकी फंडिंग मोबिलाइजेशन के लिए ये ट्रस्ट बनाए जा सकते हैं। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी केंद्र सरकार ने इसको स्वीकृति दिया है, अभी केंद्र सरकार ने इसको नॉट दिया है। अब केंद्र सरकार एग्री हो गया है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई ऐसे ट्रस्ट बना सकती है। तो देखिए, जो ट्रस्ट होते हैं इंडिया में, वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। तो ये भी ट्रस्ट है, इंडियन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनविट, ये भी एक ट्रस्ट है। तो ये भी इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर ही रजिस्टर्ड होगा। और इसके अलावा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014 भी इसको रेगुलेट करेगा। तो दो इंपॉर्टेंट एक्ट आप याद रखिए, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014, इसके तहत ये जो ट्रस्ट है ये रेगुलेट होगा। अब देखते हैं ये काम कैसे करेंगे। देखिए, अगर हम हाईवेज की बात करें तो हाईवेज एक तरीके से आजकल वाइबल बिजनेस हो गए हैं बहुत सारी कंपनीज के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि हाईवेज पे टॉल टैक्स लगता है। और जो टॉल टैक्स है, इससे रेवेन्यू जनरेट होता है। अब देखिए, सरकार का ये मानना है कि ऐसे हाईवेज जिन पे टॉल टैक्स वाइबल है, ऐसे हाईवेज का हम ग्रुप बना सकते हैं। और जैसे म्यूचुअल फंड काम करते हैं, वैसे ही ये जो ट्रस्ट है ये काम कर सकता है। तो जो इनविट्स है वो इंस्ट्रूमेंट है ऑन द पैटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड। देखिए अब म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं, लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप नंबर ऑफ कंपनीज, एक कंपनी में नहीं, आप एक ग्रुप ऑफ कंपनीज में, एक नंबर ऑफ कंपनीज में आप इन्वेस्ट करते हैं, नंबर ऑफ कंपनीज में आप इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे ही जब ये इनविट आएंगे और आप इनविट में इन्वेस्ट करेंगे तो आप एक लार्ज नंबर ऑफ हाईवेज में इन्वेस्ट करेंगे जो कि रेवेन्यू जनरेटिंग है थ्रू टॉल टैक्स। तो जैसे म्यूचुअल फंड मोबिलाइज करते हैं कंपनीज के लिए, कॉरपोरेट के लिए, इनविट भी ऐसे ही फंड मोबिलाइज करेगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपने इनविट में इन्वेस्ट किया, आपने इनविट खरीदा या इनविट के कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदा, तो इनविट का मतलब है कि आपने बहुत सारे हाईवेज में जो कि टॉल टैक्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उसमें आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया। अब देखिए, जो टॉल टैक्स होता है, इसका भी ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। हो सकता है कि आज एक हाईवे है वो ज़्यादा टॉल टैक्स मोबिलाइज कर रहा है, हो सकता है कल उसके बगल में एक और रोड निकल जाए, एक और हाईवे बन जाए, तो वहाँ से टॉल टैक्स कम हो जाए। तो इन सब टर्म्स एंड कंडीशंस को, इन सब रिस्क को ध्यान में रखते हुए जो लोग हैं वो इन हाईवेज वाले जो फंड होंगे इनविट में, इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सेम पैटर्न पे, जैसे म्यूचुअल फंड लोगों से फंड मोबिलाइज करते हैं, स्मॉल इन्वेस्टर मतलब जो छोटा निवेशक है, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, जो छोटी सेविंग्स करते हैं, वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में डाल देते हैं, शेयर्स में डाल देते हैं। तो जैसे म्यूचुअल फंड्स मोबिलाइज करते हैं रिसोर्सेज कॉर्पोरेट्स के लिए, वैसे ही इनविट जो हैं जो फंड मोबिलाइज करेंगे एनएचआई के लिए, जिससे कि आगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो पाए। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसको नॉड मिल गया है, उसको सरकार ने हामी भर दिया है कि वो इनविट यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाए और ऐसे इंस्ट्रूमेंट निकाले जो कि म्यूचुअल फंड की तरह काम करें। तो ये था वीडियो इनविट के बारे में, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़े रहिए।